पिछली वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था ओवरहेड्स चैप्टर का, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, एलोकेशन एंड अपोर्शमेंट। तो इसमें हमने टॉपिक किया था बेसिस ऑफ अपोर्शमेंट, और मैंने आपको ये बताया था कि जो ओवरहेड्स हैं वो किस किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम। फॉर एग्जांपल रेंट किस बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एरिया ऑक्यूपाइड पे। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में सारा एक्सप्लेन किया था, और हमने एक क्वेश्चन भी किया था बेसिस ऑफ अपोर्शमेंट के ऊपर। सो आज हम एक क्वेश्चन और करेंगे जो कि फुल फ्लेज क्वेश्चन है। उस ये क्वेश्चन करने के बाद जो आपका ये टॉपिक है बेसिस ऑफ अपोर्शमेंट, ये फिनिश हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वर्क आउट द प्रोडक्शन आर रेट ऑफ रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स इन डिपार्टमेंट्स P1, P2 एंड P3। P1 मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फर्स्ट। सो ये P2 एंड P3, ये आपको ओवरहेड्स दिए हुए हैं। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, ये सारे आपको क्या दिए हुए हैं, ओवरहेड्स, नेम ऑफ ओवरहेड्स। और ये किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो यहाँ पे गिवन है। तो आपको ये ओवरहेड्स दिए हुए हैं, ये टोटल दिया हुआ है, और ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के तीन कॉलम है जिसमें एक P1 है, एक P2 है और एक P3 है। देन आपको सर्विस डिपार्टमेंट दिया हुआ है S1 एंड S2। सर्विस डिपार्टमेंट फर्स्ट, सर्विस डिपार्टमेंट सेकंड। सो नीचे दिया हुआ है एक्सपेंसेस ऑफ सर्विसेज डिपार्टमेंट S1 एंड S2 आर अपोर्शन एज अंडर। तो सर्विस डिपार्टमेंट P1 का 30%, 40%, ये जब सॉल्यूशन करेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होएगा। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि जो हमारे ओवरहेड्स हैं हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल रेंट है तो उसको जितना एरिया ऑक्यूपाइड है या फिर फ्लोर स्पेस है तो उस पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आप इसमें एक चीज देखो, इसमें नीचे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ हमें। फॉर एग्जांपल जैसे कि फ्लोर स्पेस या फिर एरिया ऑक्यूपाइड, लाइट पॉइंट, HP ऑफ मशीन, डायरेक्ट मटेरियल, नीचे ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था। ये ऊपर ओवरहेड्स दिए हुए थे हमें, ये देखो ऊपर ओवरहेड्स दिए हुए थे और नीचे हमें क्वेश्चन में ही बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था, पर इसमें तो कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसमें तो आपको डायरेक्ट दिया हुआ है। तो आप डायरेक्ट यही चेक के लिख दोगे यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा रेंट, टोटल हम लेते नहीं। P1 में हम 200 ले लेंगे एज इट इज, क्योंकि हमें ये डायरेक्ट निकाल के दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट करके डायरेक्ट निकाल के दिया हुआ हमें ये चीज। अगर ये चीज नहीं दी होती तो नीचे आपको बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दी होती। सो 200, सॉरी, बेसिस में हम लेंगे कि ये किस बेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, एरिया पे। तो P1 में 200, P2 में 400 और P3 में 150, सेम S1 में 150 और ये 100। पीछे ये देखो जो रेंट है वो किस बेस पे डिस्ट्रीब्यूट होएगा, एरिया ऑक्यूपाइड पे। तो इसलिए मैंने पर्टिकुलर्स मतलब ओवरहेड्स, पर्टिकुलर्स में रेंट लिख दिया और बेसिस किस बेसिस पे ये डिस्ट्रीब्यूट होएगा, एरिया पे। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी, टोटल हम लेते नहीं, इलेक्ट्रिसिटी होएगी लाइट पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट। P1 में 50, देन 80, 30, 20, 20, फिर फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस जाएगा एसेट वैल्यू पे। टोटल हमने लेना नहीं, 80 P1 में, फिर 160 एज इट इज लिख देना आपने, क्योंकि आपको ऑलरेडी निकाल के दिए हुए हैं। जो मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया था उसमें दिए नहीं हुए थे हमें, तो हमने फिर डिस्ट्रीब्यूट करे थे, तो इसमें तो ऑलरेडी दिए हुए हैं हमें।
प्लांट डेप्रिशिएट हो रहा है तो ये भी एसेट वैल्यू भी जाएगा. टोटल हमने लेना नहीं, पी वन में 1000, देन 1500, 1000, 300, 200, नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट, ये जाएगा डायरेक्ट वेजेस पे. पीछे जो मैंने आपको पिछली वीडियो में जो ये टेबल बनवाया था, इसको आप एक बारी रीड आउट कर लेना कि जो हमारे ओवरहेड्स हैं वो किस किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा, ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूट करना इजी हो जाएगा. सो ट्रांसपोर्ट डायरेक्ट वेजेस पे जाएगा, पी वन में 50, 50, 50, 100 and 150. आगे आपको दिया हुई है एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स, इसको हम जब लास्ट में जब हमारा आंसर आ जाता है उसको डिवाइड करते हैं इनके साथ, तो अभी इसका कोई काम नहीं है. तो ये खत्म प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, आपका खत्म हो गया सारा. तो इसका टोटल कर दो आप, टोटल इसका टोटल करोगे आप पी वन का, ये आ जाएगा आपका 1380. ये मैंने पहले से ही टोटल करके रखा हुआ है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, सो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ. इसका सिंपल टोटल प्लस ही करना है इनको, 630, और इसका आएगा आपका 510. सो नेक्स्ट हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट खत्म हो गया, आगे चलना हमने सर्विस डिपार्टमेंट पे. तो ये देखो कैसे करेंगे इसे, S1, यहाँ पे S1 लिख लो. 30% दिया हुआ है, 30, 40, फिर कोमा 20. S1 हमें दिया नहीं हुआ और S2 दिया हुआ 10. तो अब कैसे करेंगे इसे, अब S1 मिसिंग है ना, S1 मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, जो S1 है उसमें लिख देंगे हम -630. जो हमारा ये ऊपर वाला है ना जो टोटल करके आया, उसी को नीचे माइनस करके 630 लिख देंगे, इसको सेम एज इट इज 630 S1 में. S1 में क्यों लिखा हमने, क्योंकि S1 इसमें मिसिंग है, नहीं दिया हुआ, इसलिए. अब क्या करेंगे हम, 630 का ये 30% था ना, 630 का 30% करके हम यहाँ पे पुट कर देंगे 189. फिर ऐसी 630 का 40% करके हम P2 में पुट कर देंगे 252, और फिर 630 का 20% करके 126 P3 में लिख देंगे, फिर 630, फिर ये तो निल है इसलिए तो हमने ये ऊपर वाला एज इट इज लिखा, नीचे -630. अब 630 का 10% करके यहाँ पे S2 में 63, ऐसे चलेगी, ऐसे होएगा ये सर्विस डिपार्टमेंट का आपका. तो नेक्स्ट चलते हैं हम S2 पे, 10, 20, 50, 20, इसमें S2 मिसिंग है, तो S2 कहाँ पे, ये रहा S2. S2 में क्या करोगे आप, जो ये आपका आया था और जो ये है इनको प्लस करके इनको यहाँ पे लिख दोगे और आगे माइनस का साइन लगा दोगे. देखो कुछ चीजें जो होती है वो समझ के की जाती है और कुछ चीजों को रट्टा मारना पड़ता है, तो और कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है और कुछ चीजें समझ के की जाती है. तो ये है याद रखने वाले कि अच्छा सर्विस डिपार्टमेंट करेंगे तो फिर जो अगर जो पर्टिकुलरली स्पेसिफिक डिपार्टमेंट नील है उसी को टोटल वाला ऊपर से उतार के नीचे लिख देंगे और आगे माइनस का साइन लगा देंगे. फिर दूसरे डिपार्टमेंट पे आएंगे जब सर्विस डिपार्टमेंट पे, तो क्या करेंगे, जो टोटल आया था और जो S1 का आया था उसको प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे S2 के नीचे
और आगे माइनस का साइन लगा देंगे। फिर अब क्या करेंगे, ये आ गया हमारे पास 573। अब इसका 10% करके यहाँ पे, इसका 20% करके यहाँ पे आएगा आपका, फिर इसका 50% करके, 573 का 50% करके, क्योंकि ये P1 है, P1 में लिख दिया, P2 में लिख दिया, P3 की बारी है, 50% ये आ जाएगा 287, और फिर इसका 20% करोगे तो 115। फिर आगे फिर चलेंगे S1 डिपार्टमेंट पे, दोबारा S1 निकाला, S2 निकाला, फिर दोबारा S1 पे चलेंगे। हम इसको तब तक निकालते रहेंगे जब तक हमारा पॉइंट्स में आंसर नहीं आ जाता, और पॉइंट्स के बाद भी तीन वर्ड, पॉइंट फॉर एग्जांपल 0.024, पॉइंट के बाद थ्री वर्ड्स आने चाहिए तो हम इसको फिनिश कर देंगे। तो फिर S1 पे दोबारा चलते हैं, तो S1 है तो इसमें S1 ही मिसिंग होगा, तो फिर इसको क्या करेंगे, ये ऊपर वाला नीचे उतार लेंगे एज इट इज, और यहाँ पे लिख दो 30, 40, ऊपर वाला ही सेम। अब 115 का 30% 35, फिर इसका इसका 40%, इसका 40% करोगे तो 46, फिर इसका 20% 23, फिर इसी का 10%, ये 11.5 आएगा, तो आप राउंड ऑफ कर दो इसको, 12 लिख दो। फिर ये हो गया, फिर दोबारा S2 पे चलते हैं। S2 का क्या था, ये वाला 10, 20, 50, 20 एंड nil, तो S2 मिसिंग है। S2 में फिर ये जो हमारा ऊपर आया था इसी को नीचे माइनस करके लिख देंगे, माइनस करके लिख देंगे। देखो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, जब टोटल निकालने के बाद जब S1 लिखा, जो ऊपर वाला था इसको एज इट इज माइनस का साइन लगा के यहाँ पे लिख दिया। फिर S2 में मैंने क्या किया, S2 जब nil था हमारा, तो मैंने क्या किया, जो टोटल था और जो S1 का आया था हमारा S2 में, S2 में जो हमारा S1 का आया था, ये इन दोनों को प्लस कर दिया था, प्लस करके यहाँ पे लिख दिया था। फिर इसकी परसेंटेज ली थी हमने 10, 20, 50, 20, तो अब सेम चलेगा वही, जो ऊपर है उसको एज इट इज माइनस करके, माइनस का साइन लगा के लिख दो, जो ऊपर है उसको एज इट इज नीचे माइनस का साइन लगा के लिख दो, और उसी की परसेंटेज निकाल के यहाँ पे पुट कर दो। तो S2 में 12 का 10% करोगे 1.2, फिर 12 का 20% 2.4, फिर 12 का 50%, 12 का 50% 6, फिर 12 का 20% 2.4, फिर दोबारा S1 पे। अब पॉइंट्स में तो आगे, पर हमें पॉइंट्स के बाद तीन वर्ड्स चाहिए तब खत्म करेंगे हम इसे। फिर दोबारा S1, अब S1 है हमारा 30, यहीं से लिख लेते हैं 40, 20 और 10। S1 मिसिंग है इसमें, तो S1 ये रहा, तो -2.4, ये ही एज इट इज नीचे उतार के लिख देंगे, आगे माइनस का साइन लगा देंगे, और इसी का ही हम क्या करेंगे 30%, 0.72, फिर 40%, इसी का 40%, 0.96, 0.48, 20% इसका 20% करेंगे तो 0.48, फिर इसी का 10% करोगे तो 0.24। फिर नेक्स्ट S2 पे अगेन, क्या S2, 10, 20, 50, 20 और nil, तो S2 nil है तो S2 लेंगे, -0.24, इसी को ले लेना नीचे, बस माइनस का साइन लगा देना आगे। अब इसका 10%, इसका 10% होएगा 0.024, फिर
20% 0.048, देन फिर 50% 0.12, फिर 20% 0.048। तो ये देखो, ये पॉइंट्स के बाद तीन वर्ड्स आ गए हैं हमारे, 0.024, 0.048। तो हम अब फिनिश कर देंगे इसको, बस आगे नहीं लेंगे टोटल। पॉइंट के बाद अगर तीन वर्ड, तीन अक्षर आ जाते हैं तो हमको इसको फिनिश कर देना। तो जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसमें तो जाएगा नील। अब खुद ही सोचो इसका टोटल हम कैसे करेंगे, नहीं कर सकते हम इसका टोटल, इसलिए नील, ये नील जाएगा। टोटल करेंगे हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, ये जो तीन डिपार्टमेंट है इनका टोटल होएगा। तो टोटल करोगे आप इंक्लूडिंग दिस वन, इसका टोटल, टोटल आएगा आपका 1663। और ऐसे इसको इसका टोटल करोगे तो आएगा 2606। फिर नेक्स्ट का आएगा 1733। अब यहाँ पे जो एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स दिए हुए थे इसको अब डिवाइड करेंगे इससे, 1000 P1 का है तो P1 में डिवाइडेड बाय 1000, 2500 और 1800, ये डिवाइड करके आपका आ जाएगा 1.663। और इसको इससे डिवाइड करोगे तो आएगा 1.04। फिर अगला आएगा 0.96। तो ये आ गया आपका, ये क्वेश्चन आपका खत्म। बस बुक्स में सारे इसी तरह के क्वेश्चन है, मतलब ये फुल फ्लेज था, इसमें सारे पॉइंट्स कवर हो रहे थे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वारी है तो कमेंट्स में कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। और अगर कोई समझाने में कमियां हैं तो सजेशन दो कमेंट्स में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।